मैं आपको विराट कोहली के एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद या फिर कहूं यकीनन विराट कोहली की जिंदगी का सबसे घिनौना हिस्सा होगा। साउथ अफ्रीका के ग्रेट बैट्समैन डीन एल्गर ने अपने इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही है जो जानकर यकीनन विराट कोहली के फैंस को घिन आने वाली है। जी हाँ, ये वही बैट्समैन है जिन्होंने भी टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली और जिनके पवेलियन जाने पर विराट कोहली ने अपना सर झुकाते हुए सभी ऑडियंस से कहा कि खड़े होकर इनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जो जा रहा है उसने एक पल को इसी मैदान पर राज किया है। स्टार्टिंग में ही मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो हम कुछ ज्यादा ही हाइप कर देते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे इंसान है, विराट कोहली बहुत अच्छे इंसान है, तो इन्हें कभी गुस्सा नहीं आ सकता या फिर इनमें किसी तरह का एटीट्यूड नहीं है। देखिए, एटीट्यूड होना चाहिए, इनमें नहीं होगा तो किसमें होगा। या फिर इन्हें गुस्सा नहीं आता, देखिए जिस तरह के मेंटल प्रेशर से ये लोग गुजरते हैं और जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर, गुस्सा आना भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन हाँ, चीजें वहां मैटर कर जाती है कि जहां आप अपने गुस्से में किस हद तक गिरते हो, जहां मुझे लगा कि विराट कोहली थोड़े ज्यादा बढ़ गए या फिर कहूं कि बहुत ज्यादा गिर गए। डीन एल्गर ने अभी हाल ही में अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो पहली बार हिंदुस्तान टूर पर आए थे सीरीज खेलने के लिए, तब रात में एक होटल में पूरी टीम गैदरिंग थी जहां विराट कोहली और वो सभी लोग मिलकर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच विराट कोहली और डीन एल्गर में हल्की अनबन हो गई और विराट कोहली अपने गर्म स्वभाव के गर्म इंसान बेन स्टॉक के नीचे तो वो बात नहीं करते, तो उन्होंने लगातार बहुत सारी गालियां दी। लेकिन चीजें वहां जाके हद से ज्यादा बिगड़ गई जहां विराट कोहली डीन एल्गर के ऊपर थूकने लगे। सीरियसली सच कहूं तो मुझे इस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल आई फील कि डीन एल्गर अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि विराट कोहली ने इसके बाद डीन एल्गर से बहुत सारी सॉरी मांगी और दोनों ने सारी रात बैठ के एक साथ दारू पी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सच है या झूठ है, लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है।